हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम्स हो गए? बहुत रिलैक्सेशन लग रहा होगा अभी तो। एग्जाम्स आर डन, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप लोगों ने चारों एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए, ठीक है, और आखिरी तक डटे रहे, गिव अप नहीं किया, वेरी गुड फॉर दैट। अब हम आगे बात करते हैं। एग्जाम्स तो हो गए, अब आगे क्या? ठीक है, अब एग्जाम्स होने के बाद बहुत तरह के सवाल उठते हैं बच्चों के मन में। सर ये कर लूं, वो कर लूं, एग्जाम्स में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सर एग्जाम्स में पास होना मेरा श्योर है, अब क्या करूं, टाइम को यूज करूं या नहीं करूं, या फिर सिर्फ चिल करूं, ये सारे सवाल सबके माइंड में उठ रहे हैं। ठीक है, जिसका अच्छा नहीं गया उसको ये लग रहा है, क्या सर मैं तैयारी चालू कर दूं या नहीं करूं। जिनका 50-50 है वो तो सबसे वर्स्ट केस में, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो निकलेंगे कि नहीं, और उनको ये भी नहीं पता कि उनको फिर से पढ़ना है कि नहीं, तो फिर क्या किया जाए। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आपका मेंटल स्टेटस क्या है? तीन तरह के मेंटल स्टेटस हो सकते हैं एग्जाम देने के बाद। पहला कि आप श्योर हैं कि आप क्लियर करेंगे, यू आर श्योर अबाउट क्लियरिंग, ठीक है। अगर आप श्योर हैं क्लियर करने के लिए तो फिर अभी आपको क्या करना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा हो सकता है आपका मेंटल स्टेटस हो अभी 50-50, आपको नहीं पता, पेपर मुझे लग रहा है सर कि पेपर एवरेज गए हैं, हो सकता है पास हो भी जाऊं, हो सकता है नहीं भी पास हो सकता है क्लियर हो जाए, हो सकता है ना हो क्लियर। थर्ड वो केस है जो श्योर है कि उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही है, हो सकता है किसी पेपर में आपने 40 मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं किया हो सकता है किसी वजह से, भले आपकी तैयारी थी बट किसी वजह से आप एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर पाए, देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है ना। सो वैसा कुछ डिमोटिवेट होने वाले बात नहीं है, कभी कभी ऐसी घर में सिचुएशन आ जाती है किसी रीजन से हम नहीं पढ़ पाते, किसी रीजन से एग्जाम्स टाइम पे हम नहीं दे पाते अपना परफॉर्मेंस, तो नहीं होता, दैट्स ओके, दैट्स वेरी फाइन। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, सो आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहले मैं उन्हीं की हेल्प करने आया हूँ जिनका पेपर अच्छे से नहीं गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज बहुत अच्छे से सुन लो कि हमेशा एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आना इट डजंट मीन कि आपने मेहनत नहीं करी, ठीक है। लोग मेहनत करके भी पास नहीं हो पाते, इट्स वेरी नॉर्मल। समटाइम्स हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ लैग होता है, समटाइम्स हमने तैयारी तो पूरी करी थी बट हम परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते या तैयारी नहीं होती तो इन सब चीजों से आपको सीखना है, ठीक है ना। सो क्या लिखा हुआ है देखिए ऊपर, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, ये जस्ट एक स्टेप है सक्सेस तक पहुंचने में, ठीक है ना। सो स्टे मोटिवेटेड, डोंट वरी अबाउट कि पेपर सर खराब गया है मुझे तो फिर से अटेम्प्ट देना ही देना है, दैट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। सो अब हमको ये प्लान करना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही है, इसके लिए क्या करें, वी मस्ट हैव टू पास इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्लियर। तो क्या क्या गलतियां इस बार हुई थी वो गलतियां हमको नहीं करनी। तो सबसे पहले समझो बात को, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको अभी लगेगा कि सर मुझे श्योर है मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो रिजल्ट आने के बाद से तैयारी चालू करूंगा। अरे भाई आप पहले से श्योर हैं कि आपका नहीं होना है तो वाई टू वेस्ट 2 मंथ्स, क्योंकि देखिए एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा रिजल्ट के लिए, समझे। आफ्टर रिजल्ट देर इज नॉट इनफ टाइम टिल एग्जाम्स। आपका जैन में रिजल्ट आएगा, जैन भी ऑलमोस्ट चला जाएगा, फेब मार्च अप्रैल और मई में तो आपका एग्जाम होगा, ओनली 3 मंथ्स। अभी आपने 6 मंथ प्रिपेयर किया और आपके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई और आप नहीं दे पाए तो बताइए, जब आप सिर्फ 3 मंथ्स प्रिपेयर करेंगे तो चैलेंजेस तो और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा तो सर क्या मैं आज से पढ़ना चालू कर दूं? बिल्कुल नहीं, आज से आप पढ़ने बैठोगे भी तो कुछ भी इफेक्टिवनेस नहीं होगी, ठीक है। जो भी पढ़ने में मन लगाओगे मन नहीं लगेगा क्योंकि आज तो सबके एग्जाम्स पूरे हुए हैं, ठीक है ना। तो थोड़े दिन अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम दीजिए, ठीक है, टेक योर 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक, ठीक है, जिसमें आप अभी कुछ भी मत पढ़िए, आप दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, आपको जो आपकी पर्सनल हॉबी उसको परस्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद सोचिए कि आप कैसे स्ट्रेटेजी नई बनानी, क्या क्या ध्यान करना है, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट इज माई वीकनेस। सबसे पहली बात कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए वीक था। जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या आपकी वीकनेस थी तभी तो उस पर काम कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए वीक है, ठीक है। सेकंड, डू आई नीड री क्लास, क्या मुझे उस सब्जेक्ट की क्लास की जरूरत है, या फिर क्लास तो प्रॉपर हुई थी
बट मैंने मेरा रिवीजन अच्छा नहीं किया था, या शायद नोट्स नहीं बनाए थे, या फिर शायद मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी उसे पढ़ने की। इस चीज के क्वेश्चंस खुद से पूछिए, ठीक है, और उस पर वर्क कीजिए। क्लियर? आपको कोई स्पेसिफिक डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। देन डू आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटेजी? थर्ड क्वेश्चन, क्या मैंने जिस स्ट्रेटेजी से पूरे एग्जाम की तैयारी करी थी, क्या मैं जिस सब्जेक्ट को जिस सीक्वेंस में पढ़ा था, जितने आवर्स में पढ़ता था, ठीक है, कैसे मैं बैलेंस बना रहा था अपने डे का, व्हाट वाज माय रूटीन, क्या ये सारी चीजें सही थी? इस स्ट्रेटेजी पे वापस से एक बार सोचिए, क्या इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है? देन हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट? सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मेरा मोरल डाउन हो रहा है। डोंट वरी गाइस, इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर टाइमलाइन। आपकी लाइफ है, हर व्यक्ति की लाइफ में उसका अपना समय होता है, ठीक है। सो इसका बहुत ही नॉर्मल, जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है वो आपने भी सुना होगा कि बराक ओबामा 65 में रिटायर हो गए और डोनाल्ड ट्रंप 70 के बाद यूएस प्रेसिडेंट बने। सो सबका अपना अपना टाइमलाइन होता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया और मैं नहीं निकला तो मैं उससे पीछे हो गया। आपकी लड़ाई उससे नहीं है, डोंट कंपेयर विद हिम। अपनी फ्रेंडशिप को क्यों तोड़ रहे हो? यू हैव टू बिकम CA, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव, नॉट कि वो बन गया और मैं क्यों नहीं बना। सो कंपैरिजन की भावना मत रखना, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे, बट हाँ, नॉट स्टार्ट फ्रॉम नाउ। दो अपने आप को एक वीक, थोड़ा समय लगाओ, सोच समझ के उसके बाद फिर सारी स्ट्रेटजी बनाओ। और कुछ हेल्प लगती है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे करना है। नेक्स्ट, अब वो लोग आते हैं जिनका केस है 50-50 वाला। इनको ये भी नहीं पता कि ये श्योरली पास होंगे कि नहीं, इनको ये भी नहीं पता कि ये श्योरली नेक्स्ट अटेम्प्ट इनको देना है कि नहीं। अब ऐसे केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा डायलेमा आता है। अगर आप पास है तो आपको पता है क्या करना है, फेल है तो आप तैयारी करोगे, बट आप 50-50 हो तो क्या मैं सर पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यू नीड टू असेस अगेन इन डिटेल। सबसे पहले तो आप अच्छे से फिर से सोचो कि आपके पेपर्स कैसे गए हैं, आपने परफॉर्मेंस कैसा किया है, क्या आप जो सोच रहे हो 50-50 क्या वो सही है या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पेपर सच में अच्छे गए हों और आप अपने आप को अननेसेसरी कंजर्वेटिवली एवेल्युएट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपके पेपर अच्छे नहीं गए लेकिन आप अननेसेसरी ऑप्टिमिस्ट होके ये सोच रहे हो कि नहीं 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 निकल जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टाइम को समझो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इवेल्युएशन सही नहीं किया और आपको रिजल्ट के बाद पता चलता है कि आपके मार्क्स तो बहुत कम है, तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, 3 महीने में तैयार नहीं कर पाओगे। सो अभी थोड़ा अच्छे से सोचो, चलो आपको लगता भी 50-50 तो एटलीस्ट जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो आपको डिफिकल्ट लगता था पढ़ते समय, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना चालू कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम पढ़ने बैठ जाओ एक हफ्ते बाद, नो, पहले एक हफ्ते तो कुछ भी नहीं करना है। एक हफ्ते के बाद देखो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा था जिसमें चांसेस थे कि हाँ इस सब्जेक्ट की वजह से मेरा 50-50 है, ये दो सब्जेक्ट्स तो निकल गए, जो बचे हुए सब्जेक्ट जो वीक हैं उनमें ट्राई करो, क्या उसमें थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। ये भी मैं ट्राई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके माइंड में रहेगा ना कि मेरे पास होने के चांसेस हैं, आपको पढ़ने का मन रिजल्ट्स तक नहीं करेगा। बट स्टिल आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि थोड़ा बहुत जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे थे कि मैं नहीं कर पाया था, जो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जिन टॉपिक्स में, उनको थोड़ा बहुत देख लो। लगे तो आप वीडियोस कहीं पे अगर आपको मिलते हैं यूट्यूब में, अगर उन टॉपिक्स के वीडियो आपके लिए अवेलेबल है तो उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। बट ये सारी चीजें धीरे धीरे करो, 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे स्टार्ट करो, रिजल्ट्स आने तक थोड़ा सा 3-4 घंटे का एक सिटिंग बना लो। क्योंकि देखो ये मत सोचो कि ये 2 महीने पढ़ के क्या करूंगा, क्या फायदा है। एनीवेज आपको रिजल्ट आने के बाद फिर से पढ़ने बैठना है, CA इंटर करना होगा। अगर आप पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, तो CA फाउंडेशन के लिए पढ़ना है। सो इन एनीवेज पढ़ने का कंटिन्यूटी तो बनाना ही है। इससे बेटर है कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट स्टडी बिफोर रिजल्ट्स। जिनके माइंड में 50-50 चल रहा होता है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट स्टडी करना। तो कोई बात नहीं ना, आप अपनी हॉबी परस्यू करो, सब कुछ करो, जो थोड़ा सा स्पेयर टाइम बचता है उसमें एक डिसिप्लिन बना लो कि आज मुझे 1 घंटे करना है, आने वाले 1 महीने तक मैं 1 घंटे डेली पढ़ूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाओ। सो स्टेप वाइज अगर आप जाओगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, डोंट वरी, ठीक है। इट इज असेंशियल टू रिवाइज वीकेस्ट सब्जेक्ट, एटलीस्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट जो आपका है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बाकी तो फिर रिजल्ट्स के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, है ना, उस समय फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। नाउ कम्स दोज जो वेरी श्योर है कि वो क्लियर हो जाएंगे। देखो
ये क्लेम करना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि आप श्योरली क्लियर हो जाओगे, पर इसके लिए आपको खुद के अंदर झांक के देखना है कि क्या आपके पेपर्स वैसे गए हैं। अगर आप श्योर हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, है ना, ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि आपके एफर्ट्स और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट ये सब अब फल देगा, ठीक है ना। सो दैट विल रीप यू द फ्रूट्स। नाउ सबसे पहली बात, क्योंकि एग्जाम्स अच्छे गए हैं, पास होने के भी बहुत चांसेस हैं, तो कुछ दिन तो बिल्कुल रिलैक्स करो, बिल्कुल हैप्पी रहो, बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं बट हैप्पी रहो, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान होगा सीए फाउंडेशन में आपको बहुत सारी नई नई टर्म्स पता चली होंगी, कुछ सब्जेक्ट्स पहली बार आए जैसे लॉ, ठीक है, जैसे आपने अकाउंटिंग भी पढ़ा तो कुछ कुछ चैप्टर्स नए होंगे, लॉ तो पहली बार ही पढ़ रहे हो आप। उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ बीसीके था, बीसीके में भी आपने कुछ कुछ नई टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। बीसीके में एक रिकमेंडेशन था आईसीआई का कि आपको डेली एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और आई एम वेरी श्योर 90% ऑफ द व्यूअर्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोग सिर्फ अपने सिलेबस में लगे होंगे। तो वो सारी चीजें कब पढ़ी जाती हैं? जब हमारे पास फ्री टाइम होता है। या उसकी हैबिट कब बना पाओगे आप? जब आपके पास पढ़ाई का प्रेशर नहीं है तो अभी से हैबिट डेवलप करो, फिर बाद में जब आपकी क्लासेस भी चल रही होंगी ना सीए इंटर की, तो भी चिंता की कोई बात नहीं, आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप बिल्कुल देखोगे उस न्यूज़पेपर को। बट अभी तो आपको समझ में नहीं आता ना फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर नॉर्मल से स्टार्ट करो, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर धीरे धीरे ईटी में आओ, फिर बिजनेस टाइम्स में आओ, ठीक है। तो ये सारी जो हैबिट्स है ये धीरे धीरे आपको स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा और जानो फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि देखो अब आप सीए इंटर में एंटर होने वाले हो, और सीए इंटर में आ जाओगे लेवल विल इंक्रीज, तो अकॉर्डिंगली आपका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो भी बढ़ना चाहिए ना। अब क्या है, सिर्फ हर चीज हम फॉर्मूला या क्वेश्चंस पे नहीं रहेंगे, अब थोड़ा सा माइंड का एप्लीकेशन लगेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज को समझो, बिजनेस क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, देयर विल बी 8 सब्जेक्ट्स इन सी एंटर, है ना। और अभी से अगर ऐसी तैयारी करके चलोगे तो फिर आप बोध ग्रुप का अटेम्प्ट कर पाओगे, जितनी जल्दी सीए बनना है तो बोध ग्रुप देना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा लोड भी मत लो, बहुत ज्यादा अभी से पढ़ोगे तो भी कोई सेंस नहीं है सी एंटर के बारे में, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ज्यादा मत सोचो, तब तक आप जो फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी जो है, क्या क्या प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसमें और क्या क्या होता है, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करो, क्योंकि इन सब का टाइम बाद में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, सो मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, है ना, और बिल्कुल लगे रहो, और सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय।